अलवर में पानी की समस्या के लिए आम जन को जूझना पड़ रहा है। इन दिनों विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जन जन तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सिंधी समाज ने निशुल्क 45 पानी के टैंकरों से पानी भेजा, जिसे शहर विधायक बनवरलाल सिंगल और सभापति अशोक खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज की तरफ से अलवर में जहां पानी की कमी है वहाँ के लिए निशुल्क ट्रैक्टर के द्वारा पानी भेजने की व्यवस्था कराई है। इसके लिए मैं हमारे इस सिंधी समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि ये समाज दिनों दिन तरक्की करे। ये समाज हमेशा ही ज़रूरतमंद की सेवा में हाजिर रहता है। पिछले दिनों जब यहाँ एक ट्रेन खड़ी हो गई थी 2 तारीख को, तो भी इस समाज ने यहाँ अपने घरों से खाना बनवा करके और पानी की व्यवस्था करा करके उन सभी यात्रियों की बहुत सेवा की थी। इसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने अलवर शहर के आम जन के लिए जिस तरह से एक अच्छी सोच के साथ पेयजल वितरण टैंकरों के माध्यम से करने का जो निर्णय लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। भामाशाह जैसा काम है, इसमें कुछ लोगों ने आपस में निर्णय करके कि जो लोग जितने टैंकर देना चाहते हैं उनसे कंट्रीब्यूशन करके उनसे पैसा लेकर आम जन तक पानी पहुंचाने के लिए जो एक महारथी काम किया है, आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि पानी घर घर में ज़रूरत है, हर घर को ज़रूरत है, हर व्यक्ति को ज़रूरत है और पानी की कमी बहुत आ रही है। बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जहां एंड तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी जगहों पर टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम सिंधी समाज अलवर के द्वारा किया जाएगा। वैसे तो अनेक सेवा कार्यों में पूर्व में भी सिंधी समाज हमेशा संलग्न रहा है। इस दौरान सिंधी समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सिंधी समाज के अध्यक्ष तेजेंद्र पोपटानी ने बताया कि गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान हैं। समाज के लोगों का यह निर्णय है कि पानी के टैंकर भेजकर हम भी सामाजिक सरोकार के तहत कुछ योगदान करें। जी सर। श्री झूलेलाल सिंधी पंचायत ट्रस्ट अलवर द्वारा आज से निःशुल्क जल सेवा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल, सभापति नगर परिषद अशोक खन्ना द्वारा किया जा रहा है। वार्डों में जहाँ जरूरतमंद लोगों को कच्ची बस्तियों में जहाँ पानी की आवश्यकता होगी, इस संदर्भ में हमने कुछ नंबर दिए हैं, उन नंबर से कॉन्टैक्ट करके हम घर घर में ये पानी पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे।